अगर इस टाइम पर आपको हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी का शो देखना है तो स्टैंड अप कॉमेडियन के पास मत जाओ, बल्कि हमारे देश के इलेक्शंस को देखने का काम करो। बात तो सही है, क्योंकि इस टाइम पर असली कॉमेडी तो यहीं पर ही हो रही है। और असली कॉमेडियन है इस टाइम पर हमारे देश का चुनाव आयोग, जो कि पूरी तरीके से आंख कान नाक सब बंद करके बैठा हुआ है। पता नहीं कहां से हवाएं छोड़े जा रहा है गंदी गंदी। हमारे देश में इस टाइम पर इलेक्शन चल रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां पर लागू हो रखा है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो है धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन हो क्या रहा है आपको जरा दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी आज एक रैली में गए हैं और शुरू के 2 मिनट उन्होंने सिर्फ जय श्री राम ही बोला है। आज रामनवमी का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का ये कोई बहाना नहीं बन जाता? जरा देखो इस वीडियो को मेरे साथ। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। अरे यहां पर आखिरकार दोपहर के 12 बजे लोगों की फ्लैशलाइट क्यों जलवा रहे हैं मोदी जी? दोपहर के 12 बजे फ्लैशलाइट से कुछ नजर नहीं आने वाला, किसी का फोन नजर नहीं आने वाला यहाँ पे। और फ्लैशलाइट से भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा है, ये तो मैं आज नया सुन रहा हूं। यहाँ पर सूर्य से सूर्य तिलक होता है, फ्लैशलाइट से नहीं होता है, मतलब धर्म का भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके कि किस तरीके से 2 मिनट तक जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगाए गए हैं। देखिए इसको, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी। अरे मोदी जी बस करो, बस करो। अगर खुद यहाँ पर राम जी आ गए ना इस टाइम पर हमारे देश में इलेक्शंस में देखने लग गए कि क्या हो रहा है, तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पर चांस खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी पीएम नहीं बनने वाले आप और आपकी पार्टी के लोग। अब इस वीडियो को देखने के बाद चुनाव आयोग के लिए मैं 2-3 तालियां बजाना चाहता हूं, स्लो क्लैप्स करना चाहता हूं। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, काफी प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक केस है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक और आपको दिखाना चाहता हूं। अमित शाह जी ने भी कल एक मध्य प्रदेश के अंदर रैली करी और इन्होंने तो भैया और महान काम किया, इन्होंने तो राम जी की फोटो को लेकर ऊपर हवा में उड़ाने का काम किया। राम जी की फोटो दिखा दिखा कर वोट मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले 10 साल में कुछ काम किया होता, क्या वो इस तरीके से राम जी की फोटो दिखाकर वोट मांग रहे होते? खैर आपकी स्क्रीन पर ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, इसमें अमित शाह भी हैं, राम जी की फोटो भी है और साथ में मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो भी है, जिनको बीजेपी के लोग खुद यहां पर नहीं जानते। अब ये 2 केसेस मैंने आपको दिखाए, लेकिन ये सिर्फ 2 नहीं है। अगर मैं यहां पर दिखाने लग गया तो पूरी की पूरी 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इनफैक्ट तभी भी इनके ये केसेस खत्म नहीं होने वाले। लेकिन चुनाव आयोग भैया ना,
ये पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। सारी रामायण यहीं पर चल रही है। राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, हनुमान जी, सीता जी और कुंभकर्ण भाई साहब भी यहीं हैं। अब जहां पर इलेक्शन कमीशन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन विपक्ष के ऊपर काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है, एकदम से चिकनी चमेली। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्शन लिया गया है बहुत बड़ा, विपक्ष के ऊपर एक्शन। अपने स्क्रीन पर देखिए, चुनाव आयोग ने 4 नेताओं की पोस्ट हटवाई है। मस्क ने कहा है कि ये अभिव्यक्ति की कैसी आजादी है, मतलब हालत ऐसी है कि इलॉन मस्क जो मोदी जी की तारीफें कर रहा है वही यहां पर इलेक्शन कमीशन की पनौतियां लगा रहा है। आगे एक बार पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट आम आदमी पार्टी, वाईआरएस कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए थे और इन सब के ऊपर एकदम से एक्शन लिया जा रहा है। आप लोग बोलोगे कि सम्राट चौधरी तो भैया बीजेपी के नेता है, देखो चुनाव आयोग ने इनके ऊपर भी एक्शन ले लिया, लेकिन एक छोटे से नेता के ऊपर एक्शन लेना और दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में और उसके ऊपर कुंभकर्ण की नींद सो जाना, भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। और अभी बेचारी 2 दिन पहले स्मिता प्रकाश आंटी मोदी जी से कह रही थी कि इलॉन मस्क के बारे में आप क्या कहेंगे, उन्होंने आपकी तारीफें करी है। अजी काय की तारीफें, यहां पर साफ साफ इलॉन मस्क कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही नहीं हमारे देश में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और जरा आपको एक और वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पर सोशल मीडिया पे। हर जगह मोदी जी की रैलियों में और रोड शोज में भीड़ नहीं आ रही है, बात तो करी जा रही है ताल तो पार की, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड पे इस टाइम इनकी सिचुएशन क्या है ये आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी बात कर रहे हैं केरला में सारी सीटें लेकर के चले जाएंगे, केरला में मोदी जी की आंधी चल रही है इस टाइम पर, लेकिन एक रोड शो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर लोग जो हैं कितने कम नजर आ रहे हैं, वो भी मोदी जी के रोड शो में। मोदी जी बेचारे गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठे हैं, बाहर आकर के खड़े हो चुके हैं, अपने फेस पे से इन्होंने वो फ्लैश लाइट भी हटा ली है, खुद बेचारे इस बुजुर्ग अवस्था में बाहर गाड़ी के लटक रहे हैं, लेकिन लोग यहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट खाली पैचेस तो हैं, जो लोग खड़े हुए हैं उनके अंदर भी कोई एंथुजियाज्म नहीं है। अरे मोदी जी इस तरीके से होगा क्या ताल तो पाल? देखो यार कहने में कुछ नहीं जाता, कांग्रेस पार्टी भी कहना शुरू कर दे कि हम भी 400 पार आएंगे, बाकी विपक्षी पार्टियां भी यही कहना शुरू कर दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो सोशल मीडिया के नैरेटिव से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। जैसे कि एक और ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाना चाहता हूं। बाबा रामदेव को शेर कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट, देश के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इस टाइम पर बाबा रामदेव की हालत क्या हो चुकी है, कोरोनिल के चक्कर में, फर्जी एडवर्टाइजिंग के चक्कर में और डॉक्टर्स को गालियां देने के चक्कर में भाई साहब इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बावजूद भी इनको माफी नहीं मिली है। आपकी स्क्रीन पर एक फोटो होगा, बाबा रामदेव हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सामने, हियरिंग इनकी चल रही है और ये माफी मांगने का काम कर रहे हैं, सावरकर मोड स्विच ऑन। लेकिन सबसे बड़ी बात तो निकल कर यहां पर आती कि अभी भी कोर्ट ने इनको माफी नहीं दी है, 23 तारीख को फिर से इनकी हियरिंग है, फिर से इनको बुलाया जाएगा और फिर से इनकी बुरी तरीके से रोस्टिंग यहां पर करी जाएगी। बेचारे बाबा रामदेव, अगर आप इन्हीं बाबा रामदेव के बारे में बाहर जाकर भक्तों से पूछोगे ना तो आपको ये बता देंगे कि रामदेव से बड़ा कोई धुरंधर नहीं है, लेकिन ये धुरंधर किस तरीके से यहां पर ढेर हो चुका है यहां पर नजर आ रहा है। अब इसके बारे में भी जरा एक बार चर्चा कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार कल हुआ क्या, किस तरीके से धुलाई हुई है हमारे बाबा जी की। अपने स्क्रीन पर देखिए, बाबा जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी कैसे मांगी है। हम लोगों से माफी मांगना चाहते हैं, हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम दुख व्यक्त कर सके, जो हुआ वह गलत हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर क्या कहता है अपने स्क्रीन पर इसको भी देखिए, यू कांट शूट डाउन अदर हेल्थ केयर सिस्टम्स। बाबा रामदेव यहां पर कहते हैं, वी शुड नॉट हैव मेड सच स्टेटमेंट्स happened on impulse, यानी कि impulsively इन्होंने statements दे दिए, एक दो नहीं 10 बार। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं। कल सचिवालय से एक खबर सामने निकल कर आई कि आग लग गई है भैया एकदम से सचिवालय में। अपनी स्क्रीन पर आप वीडियो को भी देख सकते हैं और नॉर्थ ब्लॉक की ये वीडियो है जहां पर बताया गया कि होम मिनिस्ट्री का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है और यहां पर एकदम से धुएं निकलने शुरू हो गए। ये धुएं भी ठीक वैसे ही है जैसे कि मोदी सरकार के 10 साल में धुएं निकल चुके हैं। अब इसको बहुत सारे लोग अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। विपक्ष के लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा साइन है, फाइल्स को जलाया जा रहा है जिससे कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को बचाया जा सके आने वाले टाइम में, और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आने वाले टाइम में बीजेपी की जो है यहां पर हार हो सकती है इलेक्शन के अंदर, और इसीलिए इन फाइलों को जलाया जा रहा है। अब जहां पर एक तरफ इलेक्शन में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, वहीं पर काफी कॉमेडी भी हो रही है इलेक्शन के बीच में। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी यही पीछे कैसे रहे कॉमेडी में। मोदी जी आज जब आसाम पहुंचे अपनी रैली में लोगों को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर जाके क्या किया, यस इंस्ट्रूमेंट प्ले किए। भाई साहब इनको म्यूजिशियन बनना ही, गलती से पॉलिटिशियन बन गए। आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा, मोदी जी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं जो कि आसाम का काफी फेमस वहां का इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्ले कर रहे हैं मोदी जी। वैसे जिस तरीके से मोदी जी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी इसके अलावा भी आप बहुत अच्छा बजा लेते हैं। जनता का बैंड आपने बजा रखा है पिछले 10 सालों से, बेरोजगार युवाओं का बैंड बजा हुआ है, फार्मर्स
ड्रमर्स का बैंड बजा हुआ है, इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, क्या बताऊं मैं, वाह मोदी जी वाह। इसी के साथ इलेक्शन के बीच में ड्रामे की एक और वीडियो सामने आई है। मोदी जी इतना ड्रामा कर रहे हैं तो भक्त कैसे ना करें। केजरीवाल के अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उसी प्रोटेस्ट में से एक वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। एक आंटी जो है लाइव, उनके अंदर देवी आ गई, माता जी आ गई एकदम से। देखो जरा, नवरात्र का व्रत रखा है और ये सारी नौ देवियां बैठी है और उनमें से मैंने काले कपड़े पहन रखे हैं। मैं आनी हूँ चंडी महाकाली, ये है महिषासुर और ये है चंडी, और एकदम से भैया बाल वाल बिखेर के, मतलब क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी सिखाई जाती है चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग में। मैं तो भैया फैन हो गया हूँ इन लोगों का, असली कंटेंट यही दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स बंद हो जाएगा ना हमारे देश में तो भी ये लोग कंटेंट देते रहेंगे। इसी के साथ एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ और भी कॉमेडी यहाँ पर चल रही है अपने स्क्रीन्स पर देखिए। इस टाइम पर सर्वेज अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियों का एक सर्वे करके यहाँ पर दिखाया गया और उसमें क्या बताया जा रहा है इसको अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये भी काफी ज्यादा हंसाएगा आपको। लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा मेगा सर्वे यहाँ पर किया गया है। इंडिया ब्लॉक को 326 सीटें दी गई है, एनडीए ब्लॉक को 194, अदर्स को 23 सीट्स यहां पर दी गई हैं। इस सर्वे की हालत एक्चुअली में ऐसी है कि कांग्रेस के अपने लोग भी, जो अपने इनके फॉलोअर्स हैं, वो भी इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा दुर्गति और क्या हो सकती है। लेकिन दुर्गति इससे ज्यादा भी हो सकती है, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक और सर्वे इस टाइम पर चल रहा है एबीपी न्यूज की तरफ से। एनडीए को 373 सीटें, इंडिया गठबंधन को 155 सीटें, अदर्स को 15 सीटें। मतलब कोई विपक्ष को 373 दे रहा है, कोई मोदी जी को 373 दे रहा है, जनता को पूरी तरीके से डैश बनाने का यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, दोनों ही तरफ से बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन असली कॉमेडी तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी न्यूज वाले निकल करके आए हैं कुछ विचित्र टाइप की चीज यहां पर लेकर। इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज का सर्वे अलग अलग करके रखा अपने स्क्रीन्स के ऊपर। इसमें से आपको दिखाना चाहूंगा ईटीजी और जन की बात। इन दोनों सर्वेस को जरा ध्यान से देखो, यहां पर दिखाया गया है ईटीजी के सर्वे में दिखाया गया 384 प्लस 118 प्लस 82, यानी कि 584 सीट्स यहां पर दिखाई गई है भाई। मतलब जिस लोकसभा चुनाव के अंदर 543 सीट्स पर इलेक्शन होने वाला है उसमें 580 से क्रॉस कर चुके हैं। इनका बस नहीं चल रहा मोदी जी को 400 पार कराने के लिए, नहीं तो ये लोग 600-700 सीटें यहां पर दिखा देंगे। इसके अलावा जन की बात का भी आपको दिखाना चाहता हूं, इसको भी अपने स्क्रीन्स पर देखिए। 391 प्लस 113 प्लस 82, ये हुआ 586 भाई, 584, 586। लोकसभा में इन्होंने सांसद ही बढ़ाने का काम कर दिया, मतलब ये अलग लेवल पर चल रहे हैं। इन्होंने लोकसभा के अंदर सांसद की काउंटिंग ही बढ़ा करके रख दिया भाई, तालियां हो जाए इनके लिए। इसी के साथ जरा आगे बढ़ना चाहता हूं और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। दुबई से बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। दुबई में भयंकर इस टाइम पर बारिश चल रही है। ट्यूजडे की सुबह से ये बारिश शुरू हुई और अभी तक ये बारिश लगातार चली जा रही है। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रहे होंगे जहां पर दुबई के एयरपोर्ट पे फ्लाईओवर्स के नीचे बुरी तरीके से पानी भर रखा है और दुबई को देखकर इस टाइम पर ऐसा लग रहा है मुंबई के लोग भी अपने आप को लकी फील कर रहे होंगे। अब इस भयंकर बारिश के पीछे एक रीजन जो है वो क्लाउड सीडिंग का भी बताया जा रहा है। अभी जो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी है ये 1982 में ही इंट्रोड्यूस कर दी गई थी यूएई के अंदर, लेकिन इसका एक्टिवली इस्तेमाल जो है 2000 के बाद से शुरू हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही इस टाइम पर इतनी भयंकर बारिश आ रही है। अब कुछ लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर इस क्लाउड सीडिंग की वजह से ही दुबई के अंदर भयंकर बारिश देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी यहां पर बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वही वाली क्लाइमेट चेंज जो मोदी जी ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, आपकी उम्र बढ़ रही है इसलिए आपको ठंड ज्यादा लग रही है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। कैसी लग रही है आपको स्टैंड अप कॉमेडी हमारे इलेक्शन कमीशन की, इसके बारे में रिएक्शन जरूर देना अपना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो मोदी जी आज रात को टॉर्च लाइट लेकर के आएंगे सपनों में।